सो हेलो गाइस, वेलकम टू द बी स्पोर्ट्स। एंड आज लोग बात करने वाले आईएसएल गेम वीक 1 के बारे में, मतलब जो पहला हफ्ता आईएसएल का था उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। एंड टोटल 5 मैचेस था गेम वीक 1 में। एंड पहला मैच था एटीके मोहन बगान वर्सेस केरला ब्लास्टर्स एफसी। एंड एटीके मोहन बगान ने ये मैच जीत लिया था 4-2 से। एटीके मोहन बगान का ओके हुगो बुमोस ने 2 गोल किया था, 1 गोल रॉय कृष्णा ने किया था एंड 1 गोल लिस्टन कोलासो ने किया था। एंड लिस्टन कोलासो का गोल काफी एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल का गोल था। और एक्चुअली हुगो बुमोस ने जो पहला गोल किया था वो टेक्निकली गोल नहीं था एज पर फीफा रूल्स, जो कि मुझे बाद में पता चला। एज पर फीफा रूल्स अगर लाइक गोलकीपर को अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, जो कि रॉय कृष्णा ने किया था, तो वो गोल नहीं देना चाहिए था, बट रेफरी ने दिया वो गोल, वरना एक्चुअली वो गोल नहीं था। एंड केरला कौके साहल अब्दुल समाद ने पहला गोल किया था एंड दूसरा गोल किया था जॉर्ज पेरा डियाज ने। एंड जो पहला गोल था उसका एसिस्ट दिया था राहुल केपी ने, काफ़ी बढ़िया एसिस्ट था वो। और टोटल इस मैच में लिस्टन कोलासो ने भी 2 एसिस्ट दिया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि लाइक एटीके मोहन बगान का जो स्क्वाड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस सीजन भी, एंड वो लोग एक कंटेंडर है टू विन द लीग एंड टू क्वालिफाई फॉर द एएफसी चैंपियंस लीग 2। और अगर हम लोग केरला का बात करें तो केरला का जो मेन प्रॉब्लम था वो था डिफेंस। एटीके मोहन बगान का भी खैर वही मेन प्रॉब्लम था, डिफेंस उनका अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है। एंड राहुल केपी को आया एक बहुत सीरियस इंजरी एंड वो 6 से 8 हफ्ते के लिए बाहर हो चुके, मतलब आप 1.5-2 महीने के लिए आप सोच सकते हो कि वो बाहर हो चुके। एंड डेफिनेटली केरला के लिए काफी बड़ा लॉस था, क्योंकि अगर हम लोग लाइक उसी मैच को देख ले एटीके मोहन बगान वर्सेस केरला ब्लास्टर्स एफसी, तो राहुल केपी जब तक थे ग्राउंड में उनका इम्पैक्ट, उनका प्रेजेंस फील हो रहा था, बट वो जैसे ही चले गए साल अब्दुल समाद बहुत ज़्यादा अकेले पर गए थे। एंड ये प्रॉब्लम केरला को फेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर भी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कोच का काम आ जाता है कि वो कैसे चीज़ों को कवर अप करते, क्योंकि राहुल केपी जैसे इंडियन प्लेयर्स और तो खैर बहुत ही कम इंडिया में, तो केरला में उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढना अपने आप में प्रॉब्लम था मिडफील्ड को लेके। बट इस मैच में जयेश राणे खेल रहे थे एंड जयेश राणे का परफॉर्मेंस, सुरेश सिंह वांगजम का परफॉर्मेंस, इन दोनों ही प्लेयर्स का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। एंड नॉर्थ ईस्ट का ओके डिशॉन ब्राउन एंड वीपी सोहेर, इन दोनों प्लेयर्स ने काफी एक कमाल का गेम खेला था। बट ओवरऑल लाइक बेंगलोर ने काफी डोमिनेटिंगली यह मैच जीता था, क्योंकि क्लिटन सिल्वा ने लिटरली सबसे बेटर फुटबॉल खेला था उस मैच में। एंड सुनील छेत्री खैर थोड़े से ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उसको लेकर ज्यादा कुछ किया जा नहीं सकता। एंड बेंगलोर का ओके जयेश राणे, क्लिटन सिल्वा एंड प्रिंस इबाड़ा ने गोल किया था एंड 1 गोल ओन गोल हुआ था जो कि मशहूर शरीफ ने किया था। और नॉर्थ ईस्ट का ओके डिशन ब्राउन एंड मैथियस कुरिया ने गोल किया था। एंड नॉर्थ ईस्ट ने इतना ज्यादा गोल कंसीड किया क्योंकि उनके पास के ऑप्शन ही है, उनके एकमात्र डिफेंडर है, फॉरेन डिफेंडर है पैट्रिक फ्रॉटमैन एंड वो इंजर्ड थे एंड उनको ऑल इंडिया डिफेंस के साथ खेलना पड़ रहा था। फेडरिको गैलेगो भी इंजर्ड ही है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था नॉर्थ ईस्ट में एंड अभी भी है। अभी भी पैट्रिक फ्रॉटमैन एंड फेडरिको गैलेगो इंजर्ड ही है। सो उम्मीद करते कि इन दोनों प्लेयर्स जल्द से जल्द रिकवर कर जाए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए दोनों प्लेयर्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते तीसरे मैच के बारे में। तीसरा जो मैच था वो था ईस्ट बंगाल वर्सेस जमशेदपुर एफसी। ये काफी लाइक बहुत बहुत खराब मैच था। ये मैच बेसिकली 1-1 में एंड हुआ है, ड्रॉ में एंड हुआ है। एंड ईस्ट बंगाल का एकमात्र गोल फ्रैंको प्रेक ने किया है एंड जमशेदपुर का एकमात्र गोल पीटर हार्टली ने किया है। बट लाइक दोनों ही टीम का डिफेंस, मिडफील्ड, अटैक बहुत बहुत पुअर था। बट हाँ, जमशेदपुर का ओके जैसे पीटर हार्टली ने डिफेंस में बहुत अच्छा रोल किया है प्ले, वैसे ही ईस्ट बंगाल का ओके एंटोनियो पेरेसेविच ने बहुत एक अच्छा गेम खेला है। बट दोनों ही टीम का जो स्ट्रक्चर था वो काफी वीक लगा मुझे, ना कोई प्रॉपर पासिंग, ना कोई प्रॉपर मिडफील्ड का फंक्शन। स्पेशली लाइक अगर हम लोग ईस्ट बंगाल का बात करते, ईस्ट बंगाल ने बहुत हाइप उठा लिया था कि यार डैनियल चीमा, मतलब चीमा ओकुरा जैसे प्लेयर्स वो लोग ला रहे, सो एक्सपेक्टेशंस काफी आई था। बट डैनियल चीमा ने लिटरली बहुत बहुत खराब गेम खेला है। फर्स्ट मैच है बट फिर भी गेम देख के उतना इंप्रेसिव लगा नहीं। एंड जहां पे लाइक ईस्ट बंगाल के टीम सिलेक्शन में भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, फर्स्ट मैच है, आप बहुत सारे यंग प्लेयर्स को मौका दे रहे हो, आप मोहम्मद रफीक जैसे प्लेयर्स को डिफेंसिव मिडफील्ड में खिला रहे हो जो कि एक लाइक जेन्युइन सेंट्रल फोर्ड पोजिशन के प्लेयर रह चुके, तो लाइक उतना ज्यादा वर्सेटाइल प्लेयर भी नहीं है मोहम्मद रफीक। अच्छे प्लेयर है बट ये तो बिल्कुल ही लाइक ऑपोजिट रोल हो गया, मतलब पहले उनका रोल था गोल करना, अभी गोल करने से रोकना उनका काम है, सो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट रोल हो गया, तो ये किसी भी प्लेयर के लिए इतना मतलब इजी नहीं होता है। सो लाइक दोनों ही टीम को बहुत कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट मैचेस में। एंड अगर हम लोग फोर्थ मैच का बात करें जो था मुंबई सिटी एफसी वर्सेस एफसी गोवा, एक बहुत ही ज्यादा हाईली एंटिसिपेटेड मैच, क्योंकि अगर हम लोग लास्ट सीजन देख लेते इन दोनों टीम्स का राइवलरी काफी काफी ज्यादा बढ़ चुका था एंड
एंड काफ़ी अच्छा अच्छा मैचेस हम लोग को देखने को मिला था लास्ट सीजन, मतलब जो दो मैचेस हम लोग को देखने को मिला था एंड उसके बाद सेमीफाइनल में जो मैचेस देखने को मिला था। सो ओवरऑल लाइक काफ़ी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई था, बट मुंबई सिर्फ से लिटरली एफसी को उड़ा दिया है एंड मुंबई सिर्फ ने मैच जीता था 3-0 से। काफ़ी एक अच्छा मैच था मुंबई के लिए, मुंबई के लिए इगोर एंगुलो ने दो गोल किया था एंड इगोर कैटेटो एज अ सब्स्टिट्यूट उनका फर्स्ट टच उनका गोल था, विच इज अगेन अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट फॉर एनी प्लेयर। एंड गोवा का जो मेन प्रॉब्लम था इस मैच पे वो था उनका वीक डिफेंस, डिफेंस बहुत ज्यादा वीक लग रहा था एंड लाइक प्रॉपर फंक्शनिंग भी नहीं था डिफेंस में, लाइनअप सिलेक्शन भी काफी एक बड़ा प्रॉब्लम था एंड तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इंजरी। ब्रैंडन फर्नांडिस नहीं है, मोहम्मद नमिल नहीं है, जॉर्ज ऑर्टिस मेंडोजा मतलब वो बेंच में तो थे, उनको बाद में उतारा भी गया बट वो 100% मतलब अभी उन्होंने जस्ट रिकवर किया एक इंजरी से, इतना मेजर इंजरी से, तो उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सेडर फर्नांडिस को इस मैच में नहीं खेला जा रहा था इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इंजर्ड नहीं थे, बट फिर भी उनको ना खिलाने अपने आप में मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गलती था, क्योंकि सी मतलब मैं मानता हूँ कि लेंडर डिकोना अच्छे प्लेयर है बट ये एक बहुत बड़ा मैच है मुंबई सिर्फ सी, मैंने भी बोला है कि लाइक वीक टीम है थोड़ा सा, लास्ट ईयर से थोड़ा सा वीक लग रहा है बट एकदम ही लाइक वीक टीम नहीं है, एकदम ही बेकार टीम नहीं है, स्ट्रॉन्ग टीम है एंड दे आर ऑल्सो द कंटेंडर्स टू विन द लाइक लीग टाइटल एंड चैंपियनशिप, तो आप इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते ऐसे टीम्स के अगेंस्ट में। एंड मेरे हिसाब से मैंने जुआन फर्नांडो को ऐसे लाइनअप करते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा था, बट लाइक ठीक है गलतियां हो जाता है हर एक कोच से। एंड मुंबई सिर्फ सी के लिए बहुत ही अच्छा सीजन का स्टार्ट, बड़ा इफ्सी गोवा जिस हिसाब से मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे सीजन का स्टार्ट करेंगे उस हिसाब से तो स्टार्ट नहीं हुआ है एंड फॉरेन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, स्पेशली आयरम कैबरेरा, बहुत एक्सपेक्टेशंस उनको लाया गया था, लाइक बहुत लोग बोल रहे थे इगोर एंगुलो एंड कोरो का मिक्सचर, बट खैर वो तो कुछ और ही लेवल का, मतलब कोरो एंड इगोर एंगुलो स्पेशली कोड़ो उनका लेवल कुछ और था, तो उनसे कंपेयर ना ही किया जाए तो अच्छा है, बट हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनका जो फॉर्म है वो जल्द से जल्द वापस आ जाए, दो साल से उनका फॉर्म बहुत खराब चल रहा है एंड देखते हैं कि दोनों ही टीम का परफॉर्मेंस नेक्स्ट मैचेस में कैसा रहता है। चलो बात करते हैं फिफ्थ मैच के बारे में, तो जो फिफ्थ मैच था वो था हैदराबाद वर्सेस चेन्नई एफसी एंड ये मैच भी लाइक चेन्नई के लिए थोड़ा सा लकी मैच था, चेन्नई ने यह मैच 1-0 से जीत लिया चेन्नई एफसी ने एंड चेन्नई एफसी का एकमात्र गोल किया व्लादिमीर कुमन ने। हैदराबाद का जो मेन प्रॉब्लम था इस मैच में वो था फिनिशिंग, फिनिशिंग एबिलिटी उतना अच्छा नहीं था हैदराबाद का, लाइक हैदराबाद ने अटैक तो बहुत ज्यादा किया, शायद वो डिजर्व भी करते थे मैच जीतना एंड लाइक एडू गार्सिया ने गोल भी किया था, बट यही से बेसिकली बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि चिंगलन साना सिंह ने तो हेड लगाया नहीं था बट हाँ वो ऑब्स्ट्रक्शन था एंड इसीलिए वो ऑफसाइड दिया गया, क्योंकि चिंगलन साना सिंह ऑफसाइड में थे एंड इसीलिए वो ऑफसाइड दिया गया, वरना अगर चिंगलन साना सिंह आगे नहीं बढ़ते तो वो डेफिनेटली गोल हो जाता, बट एज बिकॉज गोलकीपर का जो साइट है वो पूरा ब्लैंक हो जा रहा है अगर चिंगलन साना सिंह सामने आ जा रहे, इसी के कारण लाइक वो ऑफसाइड दिया गया था। और अगर हम लोग हैदराबाद का बात करें तो सेकेंड हाफ में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम लगा वो था थोड़ा सा मिडफील्ड में, और ज्यादा अच्छे से अगर फंक्शनिंग होता मिडफील्ड का वो एक काफी अच्छा चीज होता, होली चलन नर्सारी का इंजरी भी एक काफी बड़ा फैक्टर था और जस्ट फॉर अ फैक्ट मुंबई सिरेसी का कि अभी विग्नेश डी को एक इंजरी आया है, तो ऑलरेडी तीन प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके एंड होलीचरण नर्सारी का ना खेलना ये काफी बड़ा, मतलब होलीचरण नर्सारी का इंजर्ड हो जाना ये बहुत बड़ा फैक्टर हो गया था हैदराबाद के लिए, क्योंकि लाइक यू नो ही इज़ द नेक्स्ट लेवल प्लेयर एंड उनका रिप्लेसमेंट आप ऐसे ढूंढ नहीं सकते, ऐसे आपको मिलेगा नहीं मैच के अंदर, सो वो भी एक काफी बड़ा फैक्टर था, बट डेफिनेटली हैदराबाद ने एक अच्छा गेम तो खेला है एंड चेन्नई एफसी वाज अ बिट लकी, रहीम अली का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था बट चेन्नई एफसी का ओके सबसे खराब परफॉर्मेंस किया रिगन सिंह ने, मतलब जस्ट एक लकड़ी आप लोग बोल सकते हो बैक में, क्योंकि प्रॉपर मूवमेंट नहीं था उनका, ना ही वो डिफेंस अच्छे से कर पा रहे थे ना ही अटैक में कोई हेल्प, इसीलिए मैंने बोल दिया लकड़ी था और कुछ नहीं, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं था प्रॉपर, लाइक पेड़ की तरह खड़े हुए और कोई काम कर रहे, तो ये बहुत खराब चीज है, आपको अच्छे से फंक्शनिंग करना होगा उस फुलबैक में क्योंकि इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा चेन्नई एफसी के कोच को। और डेफिनेटली काफी ज्यादा लाइक अच्छा स्टार्ट उनको मिल चुका है, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि क्रिवेलाडो इस मैच में नहीं थे एंड व्लादिमीर कुमन ने उनके जगह को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है एंड हैदराबाद का ओके एडू गार्सिया का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा था। एंड अभी हम लोग लाइक कुछ स्टैट्स का बात कर लेते, तो इस वीक के टॉप स्कोरर है हुगो बुबोस एंड इगोर एंगुलो, दोनों ने ही दो गोल किया है, क्लीन शीट रखा है मुंबई सिरेस से एंड चेन्नई एफसी ने बेसिकली लाइक विशाल कैथ एंड मोहम्मद नवाज ने। इंडियन गोल स्कोरर का अगर हम बात करें तो लिस्टन कोलासो, साहल अब्दुल समाद एंड जयेश राणे तीनों ने ही एक एक गोल किया है। टॉप असिस्ट लिस्टन कोलासो ने दो असिस्ट दिया, तो लिस्टन कोलासो का परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही कमाल कर रहा है एंड ये पॉइंट्स टेबल आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, फर्स्ट पोजीशन में मुंबई सिटी एफसी, सेकंड पोजीशन में एटीके मोहन बगान एंड सो ऑन आप देख सकते हो और लास्ट पोजीशन में एफसी गोवा। सो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में और बेटर परफॉर्मेंस का हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और भी बड़े बड़े गेम्स है नेक्स्ट वीक में लाइक ईस्ट बंगाल वर्सेस एटीके मोहन बगान, एफसी गोवा वर्सेस जमशेदपुर एफसी, और भी बहुत अच्छे अच्छे गेम्स है एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में,
ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मुझे भी बहुत हेल्प हो जाएगा। एंड अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं हर हफ्ते एक ऐसे समरी टाइप के वीडियोस बनाऊंगा। एंड तब तक के लिए बाय।